फोटो साफ नहीं अरे तो जेड़ा पिछला 27 महीने क्यों नहीं हो सकिया की हालात बने वो तुसी सारे जानते हो। ब्रीफ च मैं दस दाना अजिहा एक कारनामा कीता थी पिछली सरकार ने जेड़ा अज तक किसी ने सुनिया भी नहीं सी। दो बंदे जिते हुए वोटां च जित गए, रिजल्ट डिकलेयर हो गया, वो आगे भंगड़े पाउन लग गए, बधाइयां लैन लग गए, तो 3 बजे जो गए तो कहते तुसी हार गए। सो यहाजा करिश्मा कदे अज तक होया नहीं सी जिहड़ा पिछली सरकार ने किया। तो मैं समझदा उहदा खमियाजा हुण जिहड़े लोकां नाल एडा वड्डा धक्का हो गया तो वह इंसाफ की गल तो करनगे ना। उन्होंने इंसाफ की उम्मीद दे विच हाई कोर्ट केस पाता, हाई कोर्ट दे विच केस लंबा चलिया। सो मैं समझदा भी जो 27 महीने लंघे आ लोकां नूं उन्हां दे हक्कां तों वांझे किया गया। जिहड़े MC जित्ते हुए थे उन्हां नूं हक्कां तों वांझे किया गया। तो इहदे लई पिछली सरकार पूर्ण तौर पर जिम्मेवार सी, पर हुण सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दे विच जो सरकार बनी है असी वचनबद्ध आ लोकां नूं इंसाफ देण दे लई। सो जदों हुण साडे कोले गल आई ओह मुड़ गिनती होई तो मुड़ गिनती हो के दुधा दुधे पानी का पानी हो गया, वो बंदे जित गए। पर मैनू बड़े दुख दे नाल कहना पैंदा कि उस गल च भी नहीं खड़े, फिर हाई कोर्ट चले गए। आ जिहड़े 4 महीने पिछले लंघा ले वह भी इन्हां दी गलती करके लंघे आ, हाई कोर्ट च केस ते केस पाई गए। पर सच्चाई तो सच्चाई है ना, ये सारे केस कुछ हार गए। तो हुण इन्हां ने कहा भी चोण होनी चाहिए, इन्हां ने केस पाया वे, असीं तां पहले ही तैयार बैठे हाँ, असी तो कोई हुक्म के इंतजार नहीं किए। चोण की गल आई जो सामने देखा भी सारा प्रोसैस पूरा हो गया, प्रशासन ने चोण कराती। सो अज सही चोण हुई है तो अपने सही प्रधानगी कांता गोयल प्रधान चुने, तो कपलाश तो बलबीर ये वाइस प्रधान चुने गए ने। सो शहर का काम हम सुचारू रूप के नाल चलूगा। अज 27 महीनों बाद आस बनी है शहर के नवे प्रोजेक्ट लैके आए जा रहे हैं। देखो शहर दे विच सब तो बड़ी तो जिहड़ी गल इत्थे जो सीवरेज सिस्टम पिया हुआ है कल्ले इत्थे नहीं, लहरा मूण खणौरी वो अकाली सरकार वेले पिया थी, वो सिर्फ वोटां दी राजनीति करके तत् भड़त्ते पवाता सी भी जो मर्जी कर दिओ आपां सीवरेज पा दिओ। वो कोई सीवरेज सही नहीं, कदे इधर ओवरफ्लो हो जांदा कदे इधर हो जांदा। हुण असीं की सोचिआ उहदे लई कि बड़ियां मशीनां ही परमानेंट मंगा लिया जान, क्योंकि रोज़ तो सफाई करनी है, रोज़ किराए दें कितों लेके आवेंगे। सो ओवरफ्लो जिहड़ा हुंदा वो सीवरेज की सारी सफाई विच असीं बड़ियां मशीनां लै रहे हैं। नंबर एक, नंबर दो, असी 3,60,00,000 रुपये के टेंडर ने जिहड़े ला चुके हैं। सारे शहर की कोई गली, कोई सड़क, कोई नाली, कोई चीज़ बकाया नहीं रहूगी, सारे शहर का कायाकल्प कर दें। स्टेडियम दे विच जिंदा गुंडा उत्थे नहीं लगता, ट्रैक जिहड़ा बनया हुआ लोगों के खिडारियों के पैर बढ़ता, वह नहीं ट्रैक इस तरह के होंगे आ कि वह पैर नूं पता नहीं लगता उत्थे तुरदियां दा, वह पैर बढ़ी जांदे उन्होंने। सो असी 50,00,000 रुपया उत्थे भी लगा, आने वाले कुछ दिनों के 24 तारीख में टेंडर खुल जाने हैं। तो सारे शहर का हुण प्रधानगियां बन गई, हुण MC की जिम्मेवारी होगी, प्रधान की जिम्मेवारी होगी, सारा म्यारी काम असी करा के लहरे दे विच दे दे। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करती हाँ नगर निवासियों का, जिन्होंने सानू MC साहिबान चुनिया, सारे MC के सहयोग नाल अज ये जिहड़ा काम है वो निपरे चढ़िया। तो सब तो वड्डी हिम्मत जो साडे MLA साहिब की है, जिन्होंने
मानियो हाई कोर्ट दे विच केस चल रहा सीगा, दो जीते हुए एमसीआ जो हारे करार देता सी इन्हां ने पिछली सरकार ने, उहदा फैसला सी जो मानयोग हाई कोर्ट ने उन्हां नूं न्याय दित्ता, तां उस तों बाद एमएलए साहब ने यह सारा काम निपरे चढ़वाया। फिर तो अज की जो स्थिति सी, जिहड़े एमसी असी हाजिर सी तां हैगे सी, बाकी जिहड़े एमसी ने उन्होंने भी फोन पर भरोसा दवाया कि असी सारे दे सारे तुहाडे नाल आ, तो असी थानू ही मतलब चुनना चाहते हाँ। तो उन्होंने कामों के भी सहयोग देने का पूर्ण भरोसा दिता, तो बल्कि उन्होंने ये भी गल कही सी कि जे घंटा चोन लेट कर दो तो असी हाजिर होवांगे थोड़े नाल, भी सर्वसम्मति नाल ही थोड़ी चोन करांगे। तो मैं सारे एमसी साहबानों का धन्यवाद करती हाँ, शहर निवासियों का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मैनू इस सेवा का मौका दिता। मैं अपने वालों सारे यह सहयोग विश्वास दवावगी कि मैं शहर के विकास लई कोई कसर बाकी नहीं रखांगी, जो भी प्रॉब्लम होनगियां उन्होंने मैं तनदेही नाल हल करन दी पूरी कोशिश करूँगी अपने वालों। तो मैनू लगता कि यकीन भी है मैनू अपने आप ते कि मैं लहरा गागा नूं एक नमूने का शहर बना के रहूँगी। पहला कदम किहड़ा होएगा तुहाडा नगर कौंसल लहरा गागा नूं नमूने दा शहर बनाउण दे विच जिहड़ा कदम किहड़ा होएगा? हाँ जी, सब तो पहला कदम जो है वो ही होगा, मैनू हुणे चोन दौरान ही मानयोग एसडीएम साहब ने दसिया कि 3,40,00,000 के जो कम ने वो लाइन अप होए हुए ने। सब तो पहला तो उन्हां कम्मां दी निगरानी करके उन्हां कम्मां नूं शुरू करवाण दे विच पूरा ध्यान दे के शुरू करवाए जाणगे, ते जिहड़े जिहड़े कम्मां दा उन्हां दा ही निरीक्षण पूरा किया जाऊगा। शहर दे विच सब तो वड्डी समस्या काफ़ी समय से भी सड़कां ने बहुत ज़्यादा खराब ने, वो है तुहाडे विच चैलेंज भी है वड्डा, काफ़ी समय तो जिहड़ी सरकार पहलां आई हुण भी 2-3 साल लंघे सड़कां दी हालात बहुत खड्डे खराब, उहनूं चैलेंज है वड्डा तुहाडे वास्ते, उहनूं किन्ने के समय च पूरा कर? इह जिहड़े कम लाइन अप मैं कह रही हाँ उह इही ने, टुट्टियां सड़कां नूं ठीक करवाना, तो नालियां दी सीवरेज की सफाई करवाना, बाकी पार्क बनाने, काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट है जिहड़े कि वह आने वाले समय से जल्दी पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस वेले कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जिहड़े कि हजे तक चालू नहीं हुए, कि उन्होंने वाल भी ध्यान दिया जाऊगा, जिवें शहर की दिख अंदर एंट्रेंस शहर की दिख बनाई जाए, सोहनी दिख हो, उस पहलकदमी होगी? हाँ जी बिल्कुल, सारा पहला तो पूरी तरह सारे पिछले चलते प्रोजेक्टों का भी ध्यान किया जाऊगा, तो आने वेले वाले समय के नवे प्रोजेक्ट तैयार भी किए जाएंगे, तो प्लैनिंग योजनावां बनाई जाएंगी, सरकार दी स्कीमां नूं लोगों तक पहुँचाया जाएगा, जो भी होएगा सारा पूरा दिन रात एक करके एमएलए साहब नूं भी सहयोग देवांगे पूरा, क्योंकि उन्होंने हल्के वास्ते दिन रात एक किया होया, तो मैं लग रहा मंडी वास्ते दिन रात एक करके पूरी सेवा। नगर कौंसल चोणां दे विच नारी शक्ति दा किन्ना अहम रोल है? पहले तो असी 6 कौंसलर मतलब औरतां बैठी हाँ, तो इन्हों का मैनू पूर्ण से सब तो पहला तो मैं अपने सारे सहयोगियों का, कौंसलर साहबान का, वकील साहब का, प्रशासन का, सारे प्रेस क्लब का, जिन्हें भी साढ़े छोटे बड़े वीर भरा साढ़िया मातावान भैन सहयोगी सज्जन इन्नी टीट दुपहरे तपदी गर्मी के आए हैं, तो साढ़े लिए बेस्ट विशेष ने उन्होंने, उन्होंने बहुत धन्यवाद आ, इन्होंने पूरे शहर ने साढ़े से पूर्ण योग विश्वास जिताया, उन्होंने दिल दिया कह रही जो बहुत बहुत धन्यवाद है जी सा। देखो यदा जो पोलीटल पार्टियां से उन्होंने नलैकी से कल, लेकिन लोगों का सहयोग तो पूर्ण तौर पर रहा ही है, ये वकील साहब ने पूरे कशमाकश के नाल 27 महीनों बाद मतलब कमेटी पूर्ण रूप में संचारू किया, वो वकील साहब बधाई के पात्र ने, जो शहर की कमांड आ मैडम कांता गोयल हथ दी है, मैडम भी बधाई के पात्र ने, बाकी साड़ी समुची टीम जे मान योग साढ़े 15 मैंबर साहबान ने, उस टीम का जो अंग ने सारे सारे का सा एक मोटिव रहेगा भी शहर में असी पूर्ण तौर पर साथ साथ लगातार इकट्ठे चलोंगे, क्योंकि पता की होंगे कई बार की होंगे बिच विचाले तोड़ ज़्यादा हो जाता है, बिच विचाले इदा का नहीं होगा भी नगर को लहरा का गर्म निवासियों फिर सामना करना होगा? नहीं नहीं देखो पता की है, ये जिम वकील साहब ने कहा ये कोई राजनीति का कोई पड़ाव नहीं है, ये भाईचारक वोट आया, तो भाईचारक ही एमसी कौंसलर साहबान भाईचारक तौर पर ही चुने जाते हैं, ये अड्ड होना पार्टी बाजी वाले का कोई मुद्दा ही नहीं,
जो आप सारे शहर वास्ते काम करना तो शहर वास्ते काम करा। सर जी अच्छी चोन हुई है नगर कौंसल प्रधान बने काफ़ी लंबे समय तो जी रुकी हुई प्रधान जी अज जी चोन हुई है वह बड़े पीसफुली तो बड़े अमन मान नाल ते बड़े वधिया तरीके सलीके नाल हुई है ते एज पर लॉ जो बनता सी सारे जिन्हें जो मैंबर हाजिर सीगे उन्होंने सहु चुकई गई है पहला कोरम सीगा कोरम पूरा सी बिल्कुल ते सहु चुका के उस तो बाद जी प्रधान ते वाइस प्रधान की चोन कराई गई है। अच्छा जी पहला अड़कल लगे हुए थे खत्म हो गई है सारिया जो कोर्ट के पिछे चल रहा है केस जी वो तो उस तो बाद ही होंगे जी। हाँ जी हाँ जी वो तो ही चोन हुई है जी। प्रधान कौन चुने गए मैडम कांता गोयल प्रधान चुने गए ने जी तो एक मिस्टर कपलाश तो एक मिस्टर बलवीर ने शायद मैं तो वो दोनों वाइस प्रधान चुने गए ने जी।